हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन पर अज्ञात लोगों ने एसिड फेंक दिया। इस घटना में दूल्हा दुल्हन समेत करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये वारदात लाइट जाने के दौरान हुई, जिससे एसिड अटैक करने वाले की पहचान नहीं हो पाई। मामला भानपुरी थाना क्षेत्र का है। क्या हुआ था आपके साथ? मतलब शादी में बारात गए थे। ब्रा जाने के कारण में वो टिकान चल रहा था। टिकान चलने के बाद वो पीछे से क्या डाले तो पता ही नहीं चल गया। पूरा जलने के बाद ही पता चल गया क्या जल रहा है। अच्छा, फिर कैसे किए? उसके बाद पूरा शर्ट को पूरा निकालते पूरा ही जल गया शर्ट। फिर अस्पताल तक कैसे पहुँचे? मतलब मेरा ही बारात गाड़ी था ना सर। हाँ। वही बारात गाड़ी में फिर अस्पताल पहुँचे। अच्छा, आप बारात आए? हाँ। आप कहाँ से? सुधापाल से। बारात कहाँ आए थे? अमावाल हिरलाबाटा। अच्छा। हाँ, अमावाल हिरलाबाटा वही नजदीक पड़ता है। तो भानपुरी अस्पताल में क्या क्या हुआ आपके साथ? भानपुरी अस्पताल में तो हम लोग नहीं गए सर, सीधा जगदलपुरा गए। अच्छा, कुछ लोग भानपुरी में भी भर्ती? हाँ, कुछ लोग मतलब दुल्हन लोग ना भानपुरी गए होंगे। अच्छा, दुल्हन लोग। हाँ। कितने बजे की घटना है? 7 बजे के आसपास है। 7 बजे? हाँ। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ जले हैं? अभी मेरा तो फिलहाल यहाँ पे जहाँ फेंके थे यहाँ पे जल गया, और थोड़ा थोड़ा भूत ये क्रोच आ गया मतलब पैर में। तो व्हील चेयर में बैठे हैं, चलने की स्थिति में नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं? चलने तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एक दो दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था? झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं है सर। मतलब ना हम लोग क्या बोलते हैं, मंगनी बोलते हैं ना सर। हाँ। मंगनी की वजह से मंगनी करके पूरा मतलब शादी हो गई थी सर। हाँ। शादी के कारण बारात गए थे। अच्छा। बारात में भी जब नाचते गाते रहते हैं उस समय भी विवाद की स्थिति नहीं हुआ सर? ऐसा कुछ नहीं। पुराना भी कोई नहीं सर। कितने लोग अभी घायल हैं आप लोग? हम लोग 3 जन हैं सर, माँ और भाभी और मैं। अच्छा। हाँ। यहीं पे जगदलपुर में। बाकी लोग उधर कितने हैं तो मालूम नहीं है। जब ये घटना हुआ तब लाइट गोल था या लाइट गोल था सर? बारिश हुआ था बहुत, बारिश की वजह से लाइट गोल। हाँ। जब आप लोगों को होश आया तब देखे तो लाइट था? नहीं नहीं था। आप अंधेरे में ही आ गए अस्पताल गाड़ी निकाल के? मतलब हाँ, उस समय लाइट नहीं आया था। लाइट नहीं आया था। जानकारी के मुताबिक जिले के बस्तर ब्लॉक में ग्राम छोटे आमाबाल में टमरू बघेल और सुनीता कश्यप की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शादी की रस्में पूरी की जा रही थीं, तभी अचानक बिजली गुल हो गई। इसी बीच अंधेरे में अज्ञात व्यक्ति ने दूल्हा दुल्हन के ऊपर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लाइट आई तो वारदात का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उनके आते ही आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की माने तो एसिड अटैक करने वाले की तलाश की जा रही है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।